चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले ये 200 ग्राम चने का दाल है, उसको 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे। चने की दाल 2-3 पानी से धो लिया है, अब इसको 1 लोटे पानी में 1 से 2 घंटे तक भिगा के रखेंगे। 2 घंटा हो गया है, अभी कुकर में दाल को उबालेंगे 4 से 5 सीटी। दाल फ्राई करने के सबसे पहले इसे कढ़ाई रख लेंगे, उसको गर्म करेंगे, ये 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, ये 2 कांदा है लंबा कटा हुआ ये डाल देंगे, काली मिर्च गोल्डन लाल होने देंगे, आधा दाल हो गया है, अभी डालेंगे जीरा 1 चम्मच, थोड़ी नून, आधा चम्मच राई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, एक टमाटर का पेस्ट बड़ा टमाटर है, उसको अच्छे से पकाएंगे, तेल अलग होने पर उसको पकाएंगे। जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च कश्मीरी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसको भी 1 मिनट तक पकाएंगे। दाल हो गया है, मसाला हो गया है, अब इसमें दाल डालेंगे, नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, इसको थोड़ा देर पकने देंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे।
दाल बन के रेडी है। बहुत ही अच्छा लगा देखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।